खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां सदर लोकसभा के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ प्रधान संघ अध्यक्ष श्री राम यादव ने अपना समर्थन देते हुए अपने सैकड़ों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थामते हुए जीत की हुंकार भरी। इस खास मौके पर सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए सैकड़ों ग्राम प्रधानों को भरोसा दिलाया कि चाहे शासन हो या सत्ता, आपके हर एक संघर्ष में धर्मेंद्र यादव कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जितने भी साथी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, निसंदेह उनसे समाजवादी पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी। अपने इन्हीं साथियों के संघर्ष की बदौलत आजमगढ़ का चुनावी मैदान फतेह भी करेंगे। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी द्वारा जिले भर में किए गए विकास के काम को देखकर जिन साथियों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, मैं सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि हम सब लोग मिलकर इस जुल्म, जाति, अधिकार छीनने वाली सरकार को हटाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधान संघ के साथ आने से जिले भर में दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी को मजबूती मिली है। वहीं उन्होंने चौथे चरण के मतदान को लेकर कहा कि बस 4 जून का इंतजार कर लीजिए, इस बार के चुनाव में ऐतिहासिक परिणाम आएंगे और देश में नई उम्मीदों का सूरज उगेगा। धर्मेंद्र यादव ने प्रधान संघ को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी बेहद मजबूत है, हमारे 10 विधायक हैं, 2 MLC हैं और 4 जून के बाद 2 सांसद भी हो जाएंगे। हम हर जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे, अपने लोगों का हर स्तर से साथ देंगे। बता दें कि इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने भी प्रधान संघ के अध्यक्ष द्वारा सपा को समर्थन देने और पार्टी की सदस्यता लेने के उपरांत बधाई देते हुए कहा कि आज हम और भी मजबूत हुए हैं और ये नए संकेत हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनने जा रही है। इस खास मौके पर समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव, नफीस अहमद, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह सहित तमाम नेता और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुझे खुशी है आजमगढ़ जनपद के प्रधान संघ के अध्यक्ष हमारे भाई श्री राम यादव जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ, जिसमें मेंबर हैं, जिला पंचायत के प्रमुख हैं, पूर्व प्रमुख हैं, कई प्रधान, पूर्व प्रधान, BDC, बहुत सारे सैकड़ों साथियों के साथ आज उन्होंने न केवल समर्थन दिया बल्कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की है। तो मैं पार्टी के अपने सभी सम्मानित पदाधिकारियों की ओर से साथी श्री राम जी और उनके साथी जितने भी आए हैं, सभी का मैं समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मुझे खुशी है कि चुनाव के और संघर्ष की इस बेला में आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर, समाजवादियों के कामों से प्रभावित होकर आज हमारे साथियों ने जो पार्टी ज्वाइन की, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और इन सभी साथियों के आने से मैं समझता हूँ पूरे लोकसभा ही नहीं बल्कि बगल की लोकसभा आजमगढ़ तक और लालगंज तक भी इन साथियों के आने का असर पड़ेगा, क्योंकि इनका संपर्क, इनका संबंध, इनका नेटवर्क पूरे जनपद के अंदर है। चौथे चरण का चुनाव आज हो रहा है सर, इंडिया गठबंधन की संभावनाएं क्या हैं, क्या कहना चाहिए? ऐतिहासिक संभावनाएं हैं और 4 जून का इंतजार करिए, वो परिणाम आने जा रहे हैं जिसकी कल्पना हम में से, आप में से किसी ने नहीं की होगी। इतने शानदार परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में आने जा रहे हैं। बहुत मजबूत समाजवादी लोग हैं यहाँ पर, हमारे 10 विधायक हैं, हमारे पास 3 MLC हैं, 4 जून के बाद 2 सांसद और होंगे। ये सब मिलके अपने न केवल प्रधान बंधुओं के बल्कि आजमगढ़ के किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, इंडिया अलायंस की भी कोई रैली होनी है, जैसा कि राहुल जी और अखिलेश जी लगातार देख, अभी हमारे सारे लीडरान फोर्थ फेज में बिजी हैं और कैंपेन शुरू हो चुका है फिफ्थ फेज का, अपने यहाँ 6ठे फेज से आने दीजिए, सब चीज़ें आएंगी। अभी इनको देखने दीजिए, इनके भी पत्ते खुलने दीजिए, प्रधानमंत्री और कितने बार आते आए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।